अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद शाजमानाज। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू डिश, स्वीट डिश, जिसका नाम है शीर खोरमा। चले आए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। दूध मैंने लिया है 1 लीटर, और सेवैयाँ ली हैं मैंने बारीक वाली 1 कप, पिस्ते लिए थे मैंने 20 अदद और उन्हें बारीक काट लिया है, खजूर मैंने ली थी 10 अदद और इन्हें भी बारीक काट लिया है, इलायची मैंने ली है 3 अदद, खोपरा लिया था मैंने 20 ग्राम जिसे मैंने कश कर लिया है, बादाम मैंने लिए थे 20 अदद जिसे मैंने बारीक काट लिया है, अखरोट मैंने लिए थे 5 अदद जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है, और ऑयल मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। चले आए अब हम अपने शीर खोरमे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें ऑयल 1 टेबल स्पून लेकर गरम कर लिया है, और इसमें मैं 3 इलायचियाँ डालूँगी काट कर, और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक इलायची में कड़कड़ की आवाज़ ना आ जाए। जब इलायची में से कड़कड़ की आवाज़ आने लगे तो फिर उसके बाद हमने इसमें सेवैयाँ ऐड कर देनी है 1 कप जो हमने ली थी। और एक और बात बताती जाऊँ, सेवैयों को पंजाबी में सेवियाँ भी बोलते हैं। और अब हम सेवैयों को फ्राई करेंगे, ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करनी, बस 3 मिनट तक हमने इसे ब्राउन करना है। से ज़्यादा हमने इसे ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हम ज़्यादा कर लेंगे तो फिर इसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। सेवैयाँ हमारी ब्राउन हो गई हैं और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जो हमने लिए थे, बादाम, खजूर, खजूर की जगह आप छुहारे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खोपरा, पिस्ता। अब हम इसे 5 मिनट तक रोस्ट करेंगे। कोरमा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, आपने लास्ट तक वीडियो देखनी है ताकि आपको पता चले, कोई स्टेप बीच में से मिस नहीं करना। लो फ्लेम पे हम 5 मिनट तक अपने इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करेंगे, ड्राई फ्रूट्स को। ड्राई फ्रूट हमारा रोस्ट हो गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। चलें जी, इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम 1 लीटर दूध डालेंगे इसमें, और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे हम। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें सेवैयाँ ऐड करेंगे। दूध हमारा बॉयल हो गया है और अब हम इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे, और इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि हमारी इसमें शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। शुगर जो हमारी इसमें डिज़ोल्व हो गई है और दूध भी जो है वो थोड़ा थिक हो गया है। अब हम इसमें सेवैयाँ ऐड करेंगे जो हमने फ्राई की थी, और इसे भी हम 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो हमारी सेवैयाँ है वो अच्छे से फूल जाए। सेवैयाँ हमारी बिल्कुल गल गई हैं, अब हम इसमें बिल्कुल ज़्यादा ना फूल गई हैं हमारी सेवैयाँ, देखें। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे, और 3 मिनट तक इन्हें लो फ्लेम पर पकाएंगे। 3 मिनट हम चम्मच को ऐसे हिलाते रहेंगे, ये हमारी फिर रेडी हो जाएगा शीर कोरमा। शीर कोरमा जो है हमारा रेडी हो गया है, अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है,
जब थोड़ा इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की स्वीट डिश कैसी लगी, शीर खोरमा, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा लजीज़ा शीर खोरमा रेडी हो गया है। इसके इंग्रेडिएंट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नोट कर सकते हैं। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।